नमस्कार दोस्तों। तो हम लोग जो क्विक रिवीजन कर रहे हैं जो है यूपीएससी का, और ये पीसीएस के लिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपके, जो भी यूपी पीसीएस का एग्जाम होगा या स्टेट का कोई भी एग्जाम होगा उसके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, किसी भी स्टेट का एग्जाम हो तो। क्योंकि ये पीवाईक्यू का एनालिसिस है, अरिहंत का है, ये रिवीजन फैक्ट है इसमें, तो जो हमेशा गलत होते हैं उसके पर्पज से सही है। हम लोग फंडामेंटल राइट तक डिस्कशन कर लिया है, अब आगे डीपीएसपी है, ये डीपीएसपी है। तो आइए डिस्कशन करते हैं कि राज्य के नीति निदेशक तत्व है। तो इसमें जो पहला पॉइंट दिया है, राज्य के नीति निदेशक तत्वों का उल्लेख जो है भाग चार में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक किया गया है, जो 1937 में निर्मित आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो ये अक्सर क्वेश्चन आता है कि डीपीएसपी हम लोग कहाँ से लिए हैं, तो आयरलैंड से लिया गया है। ग्रेनविल ऑस्टिन ने निदेशक तत्व तथा मूल अधिकारों को संविधान की मूल आत्मा कहा है। यह भी पूछा गया क्वेश्चन है पीवाईक्यू में, और देखिए यूपीएससी 2015 में ये आया हुआ स्टेटमेंट में। फिर नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि राज्य का नीति निदेशक तत्व प्रशासकों के लिए आचार संहिता है। देखिए प्रशासकों के लिए जो है आचार संहिता है, ये स्टेटमेंट पूछा जा सकता है, और पूछ सकता है कि प्रशासकों के लिए आचार संहिता का जिक्र किसमें है। फंडामेंटल राइट दिया रहेगा वहीं पर, फंडामेंटल ड्यूटी भी दिया रहेगा, और डीपीएसपी भी दिया रहेगा, तो आपको डीपीएसपी पे लगाना है, जिसमें आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की एवं कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो सके, ऐसा कहा गया है। और स्टेटमेंट आया हुआ है यूपीएससी 2002 में और 2013 में, जो कहते हैं कि रिपीट नहीं होता है क्वेश्चन, देख सकते हैं 2002 में भी है, 2013 में, इसी के इर्द गिर्द रहता है। राज्य के नीति निदेशक तत्व वाद योग्य नहीं है, अर्थात व्यक्ति मौलिक अधिकारों की भांति इसकी उपेक्षा होने पर न्यायालय में नहीं जा सकता है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। नीति निदेशक तत्व वे संवैधानिक लक्ष्य हैं जिन्हें हमें प्राप्त करना है और मौलिक अधिकारों में परिवर्तित करना है, जैसे 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है, तो यूपीएससी 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। अनुच्छेद 39 के अनुसार क्या है कि राज्य अपनी नीति का संचालन इस प्रकार करेगा कि स्त्री पुरुष सभी नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध कराए, जिससे समान कार्य के लिए समान वेतन मिले। तो क्वेश्चन जो पूछा गया है आपके स्टेट पीसीएस में, समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान कौन से आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 39 में है डीपीएसपी में। फिर आता है आपका अनुच्छेद 40 में है कि ग्राम पंचायतों के गठन की बात की गई है तथा स्वायत्त शासन की स्थापना का प्रावधान निर्धारित है, जिसे 73वें संविधान और 74वें संविधान संशोधन द्वारा क्रियान्वित किया गया है। अनुच्छेद 41 के अनुसार जनता को रोजगार की व्यवस्था करने के लिए समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम तथा फरवरी 2006 में राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कार्यक्रम 150 दिन को क्रियान्वित किया गया है। पहले 100 डेज था, अब बढ़ गया है 150 डेज हो गया है, जो मनरेगा में काम करते हैं। अनुच्छेद 42 के अनुसार क्या है कि अंतर्गत सरकार द्वारा मातृत्व लाभ के संदर्भ में कानून बनाने की बात कही गई है। वहीं आर्टिकल 43 की बात करते हैं, इसके अनुसार राज्य कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी एवं काम की दशाएं तथा सामाजिक एवं सांस्कृतिक अवसर प्राप्त कराने का, और विशिष्ट ग्रामों में कुटीर उद्योगों को सहकारी या व्यक्तिगत आधार पर बढ़ाने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 45 के अनुसार राज्य प्रारंभिक शैशवावस्था की देखरेख और सभी बालकों को उस समय तक कि वे 6 वर्ष की आयु पूर्ण न करने शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रयास करेगा। वहीं आर्टिकल 47 की बात करते हैं हम लोग, ये जो है राइट टू न्यूट्रिशन की बात करता है, पोषाहार स्तर और स्वास्थ्य का सुधार करने के लिए बच्चों में पर्याप्त पोषाहार के लिए मिड डे मील कार्यक्रम स्कूलों में चलाया जा रहा है। उसके बाद आर्टिकल 48A की बात होती है कि एनवायरमेंट से संबंधित है, राज्य पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन एवं वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। अब ये सब जो आर्टिकल दिए गए हैं ये कोट फॉर्म में आते हैं, ठीक है, स्टेट पीसीएस में आपके, मतलब मिलाना होता है, इसमें सूचीबद्ध रहते हैं। आर्टिकल 49 के अनुसार राज्य जो है राष्ट्रीय महत्व वाले घोषित किए गए कलात्मक और ऐतिहासिक रुचि वाले प्रत्येक स्थान, स्मारक या वस्तु का संरक्षण करेगा। आर्टिकल 50 के अनुसार राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए राज्य कदम उठाएगा। आर्टिकल 51 के अनुसार राज्य अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए राष्ट्रों के मध्य न्याय संगत संबंध बनाए रखने तथा विवादों की मध्यस्थता द्वारा निपटारे के लिए प्रोत्साहन देने का प्रयास करेगा। तो 51 तक की बात हो चुकी है, 36 से लेकर 51 तक की बात हो गई। अब फंडामेंटल ड्यूटी की बात करते हैं हम लोग, आइए इसका देख लेते हैं कहाँ पर जिक्र है। भारतीय संविधान के भाग 4A अनुच्छेद 51A में मूल कर्तव्यों को उपबंधित किया गया है, जिन्हें स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 1976 में 42वें जो है 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। तो स्वर्ण सिंह समिति को याद रखिएगा, पूछा गया क्वेश्चन है और आगे संभावना भी बनता है पूछा जाएगा। वर्ष 1976 में 10 मूल कर्तव्य संविधान में जोड़े गए, परंतु वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हैं।
ग्यारहवें मूल कर्तव्य में अभिभावकों को यह कर्तव्य होगा कि वे अपने 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर दें। स्वर्ण सिंह समिति ने 8 मूल कर्तव्यों की सिफारिश की थी, तो ये ध्यान में रखिएगा। संघ की कार्यपालिका के बारे में बात करते हैं, जिसमें सबसे पहले जिक्र आता है राष्ट्रपति जी का। भारतीय संविधान में भाग पांच के अध्याय में जो है आर्टिकल 52 से 78 तक के अधीन संघीय कार्यपालिका का उल्लेख किया गया है। भारत संघ की कार्यपालिका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी से मिलकर बनती है। तो भारत जो है देख लीजिए किस किस से मिलकर बना हुआ है। संघ की कार्यपालिका जिसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद महान्यायवादी से मिलकर बनी है। वहीं आर्टिकल 73 के अनुसार है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार उन विषयों तक होगा जिनके संबंध में संसद कानून बना सकती है और उन समस्त अधिकारों के प्रयोग तक होगा जो किसी अंतरराष्ट्रीय संधि या समझौते के आधार पर भारत सरकार को प्राप्त होंगे। यह स्टेटमेंट पूछा गया क्वेश्चन है, यह स्टेटमेंट आया हुआ है पेपर को। जब लेंदी बनाना होता है तो पूरे स्टेटमेंट को ऐसे उठा के दे देते हैं। भारतीय संघ का कार्यपालिका प्रमुख जो होता है राष्ट्रपति होता है और भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्यवाही राष्ट्रपति के नाम से ही संचालित होती है। कहीं कुछ भी करना होता है तो वो भारत के राष्ट्रपति द्वारा ही, मतलब उनका सिग्नेचर होता है, उन्हीं के आधार पर किया जाता है। कोई भी कार्यपालिका की बात होती है, कार्यपालिका का प्रमुख होता है राष्ट्रपति। भारतीय राष्ट्रपति का निर्वाचन जो होता है एक निर्वाचन मंडल के सदस्य द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा किया जाता है। जैसे आम चुनाव जो होता है उसमें जो ज्यादा वोट पा गया, चाहे एक वोट ही ज्यादा हो, वही जीत जाता है। लेकिन ऐसा इसमें नहीं होता है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली होता है, अनुपात के आधार पर दिया जाता है इसमें। और निर्वाचन मंडल में जो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, यहाँ ध्यान दीजिएगा, निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली एवं पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। तो कौन कौन शामिल होता है ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर निर्वाचित सदस्य लिख दे रहा हूं मैं, निर्वाचित सदस्य। कहाँ कहाँ के दोनों सदन हो गए आपके, दोनों सदन हो गए, दोनों सदन। और उसके बाद जो है राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य हो गए, राज्य विधानसभा, और दिल्ली एंड पुदुचेरी के जो है विधानसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य, राज्य विधान परिषदों के मनोनीत व निर्वाचित सदस्य, दिल्ली तथा पुदुचेरी विधानसभा के मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। अब देखिए यूपीएससी में आया हुआ स्टेटमेंट है तो इसको पता होना चाहिए। वैसे भी मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते, पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति से संबंधित जो है अनुच्छेद है 55 के अनुसार राष्ट्रपति के निर्वाचन में दो सिद्धांतों को अपनाया जाता है, समरूपता का सिद्धांत और एकल संक्रमणीय मत का सिद्धांत है। तो दो सिद्धांत है, इन दोनों सिद्धांतों को आप याद रखिएगा। राष्ट्रपति चुनाव में उसी व्यक्ति को निर्वाचित घोषित किया जाता है जो 50% + 1 मत या उससे अधिक मत प्राप्त करता है। राष्ट्रपति पद के लिए वही व्यक्ति योग्य होगा जो 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। ये सब स्टेटमेंट है, ये सब आसान से फैक्ट है, लेकिन हमेशा इसे जल्दबाजी में गलत हो जाता है क्वेश्चन, इसलिए याद रखना चाहिए। राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए किसी उम्मीदवार के लिए निर्वाचन मंडल के 50 सदस्य प्रस्तावक के रूप में और 50 सदस्य अनुमोदक के रूप में आवश्यक माने जाते हैं। तो राष्ट्रपति के जो पद के चुनाव के लिए होता है किसी भी उम्मीदवार जो लड़ना चाहता है निर्वाचन मंडल के 50 सदस्य जो प्रस्तावक के रूप में होते हैं और 50 सदस्य अनुमोदक के रूप में आवश्यक माने जाते हैं, नहीं तो उनका जब्त हो जाएगा जमानत। राष्ट्रपति की पदावधि की बात करते हैं, उनके पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष होती है। यद्यपि वह अपनी पदावधि में किसी भी समय अपना पद त्याग पत्र जो है उपराष्ट्रपति को दे सकता है। इसके अतिरिक्त उसे कार्यकाल पूरा होने के पूर्व महाभियोग और कौन से आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 61 लगाकर भी उसके पद से हटाया जा सकता है। और ये आया हुआ क्वेश्चन है 1999 में यूपीएससी में। राष्ट्रपति की मृत्यु की बात करते हैं, अगर जब मृत्यु हो गई या पद त्याग दे या पद से हटाए जाने अथवा किसी दूसरे कारण से उसका पद जो है रिक्त होने की स्थिति में रिक्तित को भरने के हेतु निर्वाचन रिक्तित होने की तिथि के पश्चात यथाशीघ्र और प्रत्येक दशा में 6 माह के भीतर करा लिया जाता है। आर्टिकल 71 के अनुसार राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से उत्पन्न सभी शंकाओं एवं विवादों की जांच और निपटारा उच्चतम न्यायालय करेगा और इसका निर्णय अंतिम होगा। उच्चतम न्यायालय का, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय अंतिम होगा और आर्टिकल 71 में ऐसा जिक्र है। राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका शक्ति के संचालन में सहयोग देने के लिए मंत्रिपरिषद का गठन करता है। तो राष्ट्रपति जो है मंत्रिपरिषद का गठन करता है, ये आप ध्यान में रखिएगा। लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है, ये ध्यान दीजिएगा। प्रधानमंत्री प्रायः लोकसभा का सदस्य होता है, प्रधानमंत्री राज्यसभा का भी सदस्य हो सकता है क्योंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री सॉरी राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की सलाह पर ऐसे व्यक्ति को मंत्रिपरिषद में शामिल कर सकता है जो संसद सदस्य नहीं है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, नहीं भी है तो भी संसद सदस्य नहीं है वो भी मंत्रिपरिषद में शामिल हो सकते हैं, लेकिन
यदि ऐसा व्यक्ति मंत्रिपरिषद में शामिल हो जाता है तो उसे 6 माह के अंदर संसद के किसी भी सदन का सदस्य बनना पड़ता है। ये आया हुआ स्टेटमेंट भी है। राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 ऐसे व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला और सामाजिक विषयों का विशेष ज्ञान या व्यवहार अनुभव हो। ये हम लोग आयरलैंड के संविधान से लिए हैं। अब देखिए किस किस से है, साहित्य से हो, विज्ञान या कला या सामाजिक विषयों का ज्ञाता हो, विशेषज्ञ हो, उसमें विशेषज्ञ ज्ञान हो, विशेष ज्ञान। 12 लोगों को मनोनीत करते हैं। राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश संसद के अधिनियम के समान प्रभावी और शक्तिमान होंगे, लेकिन उनमें ऐसा कोई उपबंध नहीं होना चाहिए जिनके लिए संविधान के अधीन संसद अधिनियम बनाने के लिए सक्षम ना हो। तो ये भी ध्यान दीजिएगा, अध्यादेश राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जो है संसद के अधिनियम के समान प्रभावी और शक्तिमान होंगे, लेकिन उनमें ऐसा कोई उपबंध नहीं होना चाहिए जिसके लिए संविधान के अधीन संसद अधिनियम बनाने के लिए सक्षम ना हो। संसद द्वारा पास किया गया कोई भी विधेयक तब तक अधिनियम नहीं बन सकता है जब तक उसे राष्ट्रपति की स्वीकृति नहीं मिल जाती है। ये सब स्टेटमेंट सीधे सीधे आते हैं। अगर आप सोच रहे होंगे कहाँ से क्वेश्चन बनता है, तो यही सबसे बनता है। राष्ट्रपति अंतर्राष्ट्रीय मामलों में देश का प्रतिनिधित्व करता है और वह विदेशों में भारतीय राजदूतों, व्यापार दूतों एवं तो राजनयिक प्रतिनिधियों की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति को 2 प्रकार की न्यायिक शक्तियां प्राप्त हैं। पहला अनुच्छेद 143 के अंतर्गत है। राष्ट्रपति सार्वजनिक महत्व की विधि या तथ्य के किसी प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय की सलाह मांग सकता है। सर्वोच्च न्यायालय जो सलाह देगा वो मांग सकता है। और ये कौन से आर्टिकल के तहत है, 143, 143 के तहत। संविधान के अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त है कि वह किसी के दंड को क्षमा कर सकता है या बदल सकता है। ये 72 के अंतर्गत है। और ये कौन से, ये दोनों प्रकार के शक्तियां इसे न्यायिक शक्ति प्राप्त है राष्ट्रपति को। जो व्यक्ति राष्ट्रपति के समक्ष क्षमादान के लिए निवेदन करता है उसे राष्ट्रपति के समक्ष मौखिक सुनवाई का अधिकार नहीं है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 72 तथा अनुच्छेद 161 के अंतर्गत क्रमशः राष्ट्रपति तथा राज्यपाल दोनों को ही क्षमादान की शक्ति प्राप्त है, परंतु राज्यपाल मृत्यु दंड के संदर्भ में क्षमादान नहीं दे सकता और राष्ट्रपति दे सकता है। यही बात कही गई है। राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से ही धन विधेयक संसद में प्रस्तुत किए जा सकते हैं और वह संसद के समक्ष जो है वार्षिक वित्तीय विवरण जो बजट पास होता है वही रखवाता है। और राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना अनुदान की कोई भी मांग नहीं की जा सकती है। तो राष्ट्रपति की सिफारिश की जरूरत पड़ती है अनुदान के लिए। किसी अदृश्य व्यय के भुगतान हेतु वह भारत की आकस्मिक निधि से व्यवस्था कर सकता है। अनुच्छेद 280 के अंतर्गत क्या है कि राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष पर राज्य व केंद्र के मध्य राजस्व बंटवारे के लिए वित्त आयोग का गठन करता है। तो वित्त आयोग का गठन कौन करता है ये जरूर ध्यान में रखिएगा। राष्ट्रपति करता है, प्रत्येक 5 वर्ष के लिए करता है, वो आर्टिकल 280 के तहत है, अंतर्गत है। अनुच्छेद 213(1) के अनुसार राष्ट्रपति को अध्यादेश को प्रख्यापित करने के लिए राज्यपाल को अनुदेश देने की शक्ति प्राप्त है, किंतु वैसे ही उपबंध अंतर्निष्ठ करने वाले विधेयक को संविधान के अधीन राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी की अपेक्षा होती है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कि राष्ट्रपति को अनुसूचित क्षेत्रों या असम के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में कुछ विशेष शक्तियां प्राप्त हैं। संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है यदि उसको विश्वास हो जाए कि युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण या उसकी संभावना के कारण भारत के या उसके राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग की सुरक्षा खतरे में है, तब ऐसा करेगा। 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत यह व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा तब ही कर सकता है जब मंत्रिमंडल आपातकाल की घोषणा करने के लिए लिखित सलाह दे, तब ऐसा है, 352 के अंतर्गत है। और ये आपके लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये मैं सोचिए कि ये ऐसे है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। संविधान के अनुसार राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने पर राष्ट्रपति अनुच्छेद 256 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा कर सकता है। अब राज्यों में जब संवैधानिक तंत्र विफल हो जाते हैं तब की बात कर रहा है, 256 के अंतर्गत लगाता है। अनुच्छेद 360 के अनुसार यदि राष्ट्रपति को यह विश्वास हो जाए कि भारत या उसके किसी राज्य क्षेत्र का कोई भाग वित्तीय अस्थायित्व या वित्तीय संकट में है तो वह वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। वित्तीय आपातकाल जो है अमेरिकी संविधान से प्रभावित है। तो वित्तीय आपातकाल की बात जब होती है तो आर्टिकल 360 का जिक्र आता है। फिर वही बात करते हैं, वर्ष 1962 के आपात की घोषणा के समय राधा कृष्णन और वर्ष 1971 की आपात घोषणा के समय वीवी गिरी द्वारा तथा 1975 की आपात घोषणा के समय फरुखद्दीन अली अहमद राष्ट्रपति थे। तो ये जो है 3 बार अपने यहाँ वो लगा हुआ है, आपातकाल की घोषणा हुई है 3 बार और तीनों बार के राष्ट्रपति की बात हो गई। अब उपराष्ट्रपति का जिक्र करते हैं हम लोग। देखिए जो कहते हैं कि कौन सा आर्टिकल हम लोग पढ़ें, कौन सा ना पढ़ें, कौन सा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, तो यही सब आर्टिकल इंपॉर्टेंट है जो बार बार आ रहा है जिक्र। जैसे आर्टिकल 360 की बात आई, ठीक है, फिर ऊपर 71, 72 की बात आई, उसके बाद 256 की बात आती है, फिर यही 352 की बात करते हैं, फिर वही 143 की बात कर लिए,
तो ये सब आर्टिकल जो है इंपॉर्टेंट है, जैसे 61 की बात कर लिए। अब आइए उपराष्ट्रपति के बारे में बात करते हैं कि भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति का पद देश का दूसरा सर्वोच्च पद होता है, तो उपराष्ट्रपति का पद भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में मान्यता प्राप्त प्रदान की गई है, यह अमेरिकी प्रथा का अनुसरण है। तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में मान्यता प्राप्त प्रदान किया गया है। फिर बात करते हैं आर्टिकल 66(1) के अनुसार क्या जिक्र है यहाँ पर। आर्टिकल 66(1) के अनुसार उपराष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा होता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य शामिल होते हैं। अतः मनोनीत सदस्य भी उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। और वहीं राष्ट्रपति के चुनाव में क्या हुआ था कि मनोनीत सदस्य भाग नहीं लिए थे, जो मनोनीत सदस्य थे जो 12 जो अभी बात हो रही थी जिक्र, तो ये नहीं पार्टिसिपेट करते हैं, बाकी सब वैसे ही है। अनुच्छेद 67 के अनुसार उपराष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करता है। और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षरित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकता है। तो राष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति देता है उपराष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को, और उपराष्ट्रपति देगा राष्ट्रपति को त्याग पत्र। अनुच्छेद 68 के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा के ऐसे संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकता है जिसे राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित किया गया हो और जिसमें लोकसभा सहमत हो, परंतु हटाने का संकल्प प्रस्तावित करने के 14 दिन पूर्व उपराष्ट्रपति को सूचित करना होगा। फिर आर्टिकल जो है 64 के अनुसार है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो ये कौन से आर्टिकल के तहत है इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। आर्टिकल 64 के तहत है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करता है, परंतु वह राष्ट्रपति के पद, जब राष्ट्रपति का पद अगर खाली है तो वहां पर यह कार्य करेगा, तब वह राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य नहीं करेगा। अगर राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा है तब उपराष्ट्रपति को सामान्य जो है मत देने पर देने का अधिकार नहीं है सामान्यतः, परंतु उसे निर्णायक मत, कास्टिंग वोट जिसे बोलते हैं, देने का अधिकार है। अनुच्छेद 65(1) के अनुसार क्या है कि राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग या पद से हटाए जाने या अन्य कारण से उसके पद में हुई रिक्ति की दशा में उपराष्ट्रपति उस तारीख तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है जब तक वह नव निर्वाचित राष्ट्रपति तो अपना पद ग्रहण नहीं कर ले, तब तक। अब आपको पता है 6 महीने के अंदर अंदर कराना है। अनुच्छेद 65(3) के अनुसार है जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तब वह राष्ट्रपति की सभी शक्तियों और उन मुक्तियों का प्रयोग करता है तथा उसे वेतन एवं भत्ते भी राष्ट्रपति के अनुसार ही मिलेंगे। और उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करता है इसलिए उसे राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन व अन्य सुविधाएं प्राप्त होती हैं, ना कि उपराष्ट्रपति के रूप में। अब ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है, ये अगर आप सोच रहे होंगे कि उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति पद के लिए वेतन और भत्ते मिलते हैं तो ये गलत है। वो जब सभापति होता है, राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य कर रहा होता है, तो उसी के रूप में उसे वेतन और भत्ते मिलते हैं, जो भी सुविधाएं हैं उसी रूप में मिलते हैं। अब वहीं हम बात करते हैं प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की। तो अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को उनकी शक्तियों के प्रयोग करने में सहयोग एवं परामर्श देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान जो होता है प्रधानमंत्री होगा और राष्ट्रपति इसकी सलाह के अनुसार कार्य करता है। संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है जो लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता चुना गया हो। सामान्यतः प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, परंतु उसका कार्यकाल लोकसभा के बहुमत के समर्थन पर निर्भर होता है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति एवं मंत्रिपरिषद के बीच संवाद की भूमिका निभाता है। अनुच्छेद 78 के अनुसार संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक निर्माण संबंधी जो जानकारी राष्ट्रपति मांगे उसे दे, ऐसी बात कहा गया है आर्टिकल 78 में। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि केंद्रीय मंत्रिमंडल सॉरी केंद्रीय मंत्रिपरिषद के प्रमुख के रूप में प्रधानमंत्री के कार्य एवं शक्तियां निम्न है। मंत्रियों के बीच विभागों का आवंटन व फेरबदल करना, किसी व्यक्ति को मंत्री नियुक्त करने की सिफारिश राष्ट्रपति से करना, मंत्री परिषद की बैठकों की अध्यक्षता तथा उसके निर्णयों को प्रभावित करना, ये सब जो है प्रधानमंत्री के पास होता है पावर। मंत्रिपरिषद की बात करते हैं, भारत के मूल संविधान में केवल मंत्रिपरिषद का उल्लेख था, मंत्रिमंडल का नहीं। मंत्रिमंडल जो संसदीय प्रणाली की उपज है 44वें जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है 1978 में, अनुच्छेद 352 में मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख किया गया है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। आर्टिकल 352 में मंत्रिमंडल का उल्लेख अगर किया गया तो ये कब जोड़ा गया है, 44वें संविधान संशोधन 1978 में। मंत्रिपरिषद देश की वास्तविक कार्यपालिका होती है जिसे कार्यकारी, वैधानिक, वित्तीय आदि शक्तियां प्राप्त होती हैं। 91 में जो है 91 में
कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003 के अनुसार संसद के किसी भी सदन के उस सदस्य को 10वीं अनुसूची के अंतर्गत सदस्यता के अयोग्य सिद्ध कर दिया गया है उसे मंत्री बनने के लिए भी अयोग्य माना जाएगा, अर्थात उसे मंत्री नियुक्त नहीं किया जा सकता है जब तक कि वह पुनर्निर्वाचित ना हो। तो कौन से आर्टिकल में है ये? 91 में संविधान संशोधन द्वारा 2003 के अनुसार वह दल बदल आता है, यानी से 10वीं अनुसूची में है बात दल बदल की। दल बदल तब जो अगर अयोग्य घोषित कर दिया गया है तो वो फिर से पुनर्निर्वाचित करना पड़ेगा उसे। भारत का महान्यायवादी की बात करते हैं। भारत के महान्यायवादी के पद की व्यवस्था जो है संविधान के अनुच्छेद 76 के अंतर्गत की गई है। यह देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है, जिसे आप बोलते हैं CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो इस समय है डीवाई चंद्रचूड़ जी। राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी की नियुक्ति होती है, ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा होती है महान्यायवादी की नियुक्ति, और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यता रखने वाले व्यक्ति को महान्यायवादी के पद पर नियुक्त किया जा सकता है, अर्थात उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में कार्य करने का 5 वर्षों का अनुभव हो या राष्ट्रपति के अनुसार वह पारंगत अधिवक्ता हो। ये देखिए स्टेटमेंट आया हुआ है सन 2000 में। संविधान द्वारा महान्यायवादी का कार्यकाल निश्चित नहीं किया गया है, वह अपने पद पर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक बने रह सकता है। संविधान में महान्यायवादी के वेतन तथा भत्ते तय नहीं किए गए हैं, उसे राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचित पारिश्रमिक मिलता रहता है। ठीक है, तो हम लोग यही करते हैं। बाकी संघीय विधानमंडल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कर लेते हैं, क्योंकि संघीय है फिर स्टेट आ जाएगा, तो ये दोनों एक वीडियो में कर दिया जाएगा। ठीक है, थैंक यू।